वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पेपर हैकर। जैसे कि आज हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। ठीक है, आपसे पहले हमने एक से लेकर 18 तक आपके लॉन्ग आंसर टाइप की बात की है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को एक एक करके हमने डिस्कस किया है। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की। अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल पर, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि आपका BSc सेकेंड सेमेस्टर के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का क्वेश्चन नंबर 19 है, कह रहा है श्यानता के माध्यम से पॉलीमर के अणुभार का निर्धारण कीजिए। पॉलीमर के अणुभार को किस तरह से आप निर्धारित करेंगे, ठीक है, किस तरह से आप डिटरमाइन करेंगे, ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि यहाँ पर श्यानता पूछ रहा है, कह रहा है श्यानता के माध्यम से पॉलीमर के अणुभार का निर्धारण कीजिए, उसका उसको कैसे आप डिटरमाइन करेंगे। तो श्यानता की अगर हम बात करें तो किसी भी पदार्थ का यह एक गुण होता है, किसी भी पदार्थ का यह एक गुण होता है। इसका मतलब होता है बहने की दर। क्या होता है बहने की दर, मतलब कोई भी आपका जो लिक्विड पदार्थ है उसके बहने की दर क्या है। ठीक है, सभी जो लिक्विड पदार्थ होते हैं वो कुछ ना कुछ दर से बहते हैं। पानी को अगर आप गिरा दोगे तो वो बह जाएगा। ठीक है, पानी को अगर आपने यहाँ गिरा दिया, ठीक है, तो ये क्या करेगा, बहने लगेगा। क्या करेगा, ये बहने लगेगा कुछ इस तरह से। अब इसकी जगह हमने ले लिया शहद। क्या ले लिया, शहद। इसको अगर हम गिराएंगे तो ये बहेगा तो, लेकिन पानी की तुलना में कम बहेगा। ठीक है, ऐसे ही और अगर आप ज़्यादा गाढ़ा पदार्थ ले लोगे तो वो और कम बहेगा। तो ये क्या होता है, इसका विस्कोसिटी होती है। ठीक है, श्यानता होती है, उनके बहने का गुण, कितनी स्पीड से कोई भी आपका पदार्थ बह रहा है। ठीक है, तो उसी के आधार पर हम क्या करेंगे, श्यानता यानी कि वो कितना गाढ़ा है या कितना पतला है। ठीक है, गाढ़ा होगा तो उसका जो विस्कोसिटी होगी वो कैसी होगी, कम होगी। पतला होगा तो बहने की दर उसकी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इसी आधार पर हम क्या करेंगे, जो आपके पॉलीमर हैं उनके अणुभार का डिटर्मिनेशन करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं श्यानता के आधार पर। तो श्यानता मतलब किसी भी पदार्थ के बहने के गुण को बताती है। कह रहे हैं श्यानता माप विधि द्वारा पॉलीमर के आणविक भार का सबसे सुविधाजनक और कम से कम जटिल तरीका है। कैसा है ये, सबसे जो सुविधाजनक है मतलब आसानी से हम डिटरमाइन कर सकते हैं, और ये कैसा आपका सबसे जटिल तरीका, कम जटिल तरीका है, यानी कि बहुत ही आसान तरीका हम इसको कह सकते हैं। कह रहे हैं श्यान बहुलक पल विलयन को विस्कोमीटर द्वारा मापा जाता है। जो आपका श्यान बहुलक होता है उसके विलयन को विस्कोमीटर द्वारा नापते हैं। ठीक है, श्यानता निर्धारण के लिए आमतौर पर दो विस्कोमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, श्यानता निर्धारण के लिए या श्यानता का डिटर्मिनेशन करने के लिए दो प्रकार के विस्कोमीटर का यूज करते हैं, वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले एक आ जाता है आपका ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर। क्या आ जाता है, ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर। दूसरा आपका आ जाता है उबबे लोहडे। क्या है, उबबे लोहडे निलंबन सतत स्तर विस्कोमीटर। ठीक है, उबबे लोहडे निलंबन स्तर विस्कोमीटर, पहला है आपका ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर। तो ये दो प्रकार के आपके विस्कोमीटर हैं जिनकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी पॉलीमर का अणुभार जो है डिटरमाइन कर सकते हैं। पहला विस्कोमीटर साधारण कांच के कोशिका उपकरण है। किसके बने होते हैं, आपके कांच के बने होते हैं। ठीक है, ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर में सभी मापों का उपयोग करके विलयन लिया जाना चाहिए। जो आपका ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर है उसमें सभी मापों का उपयोग करके विलयन लिया जाना चाहिए। जो आप विलयन ले रहे हो उसकी नॉर्मलिटी क्या है, मोलरिटी क्या है, ठीक है, वो कितना आपका गाढ़ा है, कितना पतला है, ये सभी नापे आपको कर लेनी चाहिए, कह रहा है। जबकि उबे लोहड़े में एक ज्ञात विलयन को लेवल लिया जाता है। क्या किया जाता है, उबे लोहड़े में एक ज्ञात विलयन को लेवल लिया जाता है, केवल एक ज्ञात विलयन को लेवल लिया जाता है, और यह लिए गए विलयन के आयतन से अपरिवर्तित रहता है। और यह किससे अपरिवर्तित रहता है, जो आपने विलयन लिया है उसके आयतन से कैसा रहता है, अपरिवर्तित रहता है, उसके आयतन का इस पर कोई प्रभाव
नहीं पड़ता है। तो ये आपके यहाँ पर दे रखा है, एक आपका क्या है ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर है, दूसरा क्या है आपका ओवे लोहडे। ठीक है, तो ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर की अगर हम बात करें तो आपका कुछ इस तरह का बना होता है, ओवे लोहडे सस्पेंडेड लेवल विस्कोमीटर की हम बात करें तो आपका कुछ इस तरह से रहता है। ठीक है, दोनों को आप अच्छे तरह से देख लो, ओस्टवाल्ड आपका कुछ इस तरह से रहेगा, ओवे लोहडे आपका कुछ इस तरह से रहेगा। ओस्टवाल्ड की अगर हम बात करें तो ये क्या है, ये आपकी एक कांच की बनी हुई नली है। ठीक है, क्या है कांच की बनी हुई कुछ इस तरह की आपकी एक नली है ये, कुछ इस तरह की आपकी एक कांच की बनी हुई नली है। ठीक है, इसी तरह से आपकी यहाँ पर भी एक बनी हुई नली है। इस तरह की एक कांच की बनी हुई आपकी ये नली है। इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ से जो हमने बिलियन लिया है, ठीक है, उस बिलियन को हम यहाँ से भरते हैं, जिसकी हमें विस्कोसिटी या श्यानता के आधार पर क्या करना होता है, अणुभार ज्ञात करना होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ से बिलियन ले लिया है, ठीक है, जो कि आपका कैसा है अननोन मॉलिकुलर वेट है जिसका, उसको हमने यहाँ से भर लिया है। अब इसका काम क्या होता है, ये किस तरह से काम करता है आपका ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर। इसमें मान लो हमने यहाँ से बिलियन भर लिया, ठीक है, अब बिलियन हमने कहाँ तक भर लिया, मान लो अगर आप बिलियन यहाँ तक भर लोगे, ठीक है, यहाँ तक भर लिया तो ये इधर से यहाँ से हो यहाँ पर ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा आपका, और यहाँ से होते हुए कहाँ पहुँच जाएगा आपका इसकी सीध तक। भाई मान लो अगर हमने यहाँ तक भरा तो ये इधर और उधर दोनों तरफ बराबर हो जाएगा। अब हमने क्या करना होता है, यहाँ से हमने इसको खींचना होता है। ठीक है, यहाँ से हमने क्या करा, इसको हमने मुंह से पकड़ के इसको हमने सूतना होता है, यानी कि इस वाटर लेवल को जो आपका सॉल्यूशन यहाँ भरा हुआ है, ये लेवल है सॉल्यूशन का। अब हमने यहाँ से सक किया इसको थोड़ा, मान लो ये लेवल आपका कहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच कर हम इस लेवल को छोड़ देते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पहुँच कर इस लेवल को छोड़ दिया, जब यहाँ तक पहुँच गया, अब यहाँ से इतना ही डाउन हो गया होगा, यहाँ से इतना नीचे आ गया होगा। अब हमने क्या करना है इसको, अब हम इसको दबा के कुछ समय बाद यहाँ से छोड़ देते हैं, इसको छोड़ देते हैं। अब इसको छोड़ेंगे, जैसे ही हम इसको छोड़ेंगे वैसे क्या करेगा, ये लेवल धीरे धीरे ये लेवल दोबारा से नीचे आना शुरू हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा, जब तक कि ये दोनों बराबर ना हो जाए। अब ये जो ऊपर से यहाँ नीचे तक आने में जितना टाइम लगा है, ठीक है, इसको जितना टाइम लगा है इस समय को हम नोट कर लेते हैं। ठीक है, क्या कर लेते हैं, इस समय को हम नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो यही बताता है हमें कि इसी के आधार पर इसका यूज किया जाता है, ठीक है, ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर का। ठीक है, बिलियन लेते हैं हम, थोड़ा गाढ़ा बिलियन लेते हैं। ठीक है, तो इसमें भर लेते हैं, मान लो यहाँ तक भर लिया हमने, इधर से हम शक करते हैं, लेवल इसका यहाँ तक हो जाता है, फिर उसको हम उंगली से या किसी की सहायता से हम दबा लेते हैं, फिर उसको हम धीरे धीरे इसको हम एकदम छोड़ देते हैं। फिर क्या होता है, यहाँ से जितने समय में ये नीचे आता है उसी समय को हम क्या कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं, और ये प्रक्रिया हम 2 से 3 बार दोहराते हैं। ठीक है, 2 से 3 बार दोहराते हैं और देखते हैं क्या ये जो टाइम है वो कैसा आ रहा है आपका, सही आ रहा है, एकदम बिल्कुल सही आ रहा है, ऐसा नहीं है पहले लग गया 2 सेकंड फिर आपको लग गया 5 सेकंड तो ये ज़्यादा गैप हो जाएगा। ठीक है, मान लो पहले लगा 5 सेकंड फिर 6 सेकंड फिर 4, इतना तो गैप चलेगा, 1-2 सेकंड का गैप। ठीक है, ऐसा नहीं है 2 सेकंड आ रहा है फिर 5 सेकंड आ रहा है, ये आपका क्या है ओबे लोहड़े सस्पेंडेड लेवर विस्कोमीटर। ठीक है, तो इसका यूज भी इसी तरह से होता है, लेकिन इसमें आपको 2-3 जो है नली दिखाई देती है। यहाँ से आप बिलियन भरेंगे इसमें, ठीक है, यहाँ से बिलियन भरने पर मान लो यहाँ तक भर दिया, क्या होगा सबका तीनों का लेवल कैसा हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, लेवल कैसा हो जाएगा इनका, सबका बराबर हो जाएगा। ठीक, तो और जब हम क्या करेंगे, फिर उसको छोड़ देना है। ठीक है, फिर उसको जब आप छोड़ दोगे फिर क्या होगा, फिर ये लेवल आपका दोबारा यहाँ लेके हमने छोड़ दिया, फिर ये दोबारा से लेवल आपका क्या होगा, यहाँ तक आ जाएगा, इसके भी समय को हम क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। ठीक है, तो इसी आधार पर ये दोनों काम करते हैं आपके विस्कोमीटर और उबे लोहड़े प्रायोगिक तकनीकी। इसको करने की तकनीकी क्या है, टेक्निक क्या है जो हमने देखा था, इसी तरह से हम इसको करते हैं। ठीक है, कह रहा है विस्कोमीटर में बिलियन का ज्ञात आयतन लिया जाता है, जो आपका विस्कोमीटर है इसमें कोई बिलियन का ज्ञात आयतन, ठीक है, ऐसा ऐसा हम बिलियन लेंगे जिसका वॉल्यूम हमें पता हो। ठीक है, वॉल्यूम हमें पता हो, ठीक है, ज्ञात हो, मान लो कितना है एक्स वॉल्यूम, और प्रवाह का समय नापा जाता है, जो अभी हमने देखा था प्रवाह
जो हम छोड़ रहे थे, ठीक है, तो वो जो गैप आ रहा था कितने समय में वो गैप आपका पूरा हो रहा था, तो इसी प्रवाह के समय को क्या किया जाता है, समय को नापा जाता है। ठीक, दूसरा कह रहा है अवव्यय लोहड़े में निलंबन स्तर विस्कोमीटर में ज्ञात मात्रा में शुद्ध विलायक लिया जाता है। क्या करते हैं इसमें, जो आपका अवव्यय लोहड़े निलंबन स्तर विस्कोमीटर है, इसमें क्या करते हैं, ज्ञात मात्रा में शुद्ध विलायक लिया जाता है। इसमें क्या लेते हैं, शुद्ध विलायक लेते हैं, और इसमें क्या लेते हैं, हम विलयन लेते हैं। ठीक है, विस्कोमीटर में हमने क्या लेना है, विलयन लेना है, और इसमें अवव्यय लोहड़े में क्या करते हैं, इसमें हम ज्ञात मात्रा में शुद्ध विलायक लेते हैं। क्या करते हैं, शुद्ध विलायक लेते हैं। अभी हमने केवल विलायक लिया और विस्कोमीटर के अंदर ही मिलाया जाता है, और क्या करते हैं, हम इसको विस्कोमीटर के अंदर ही मिला लेते हैं। इस प्रकार बाद की सांद्रता प्राप्त की जा सकती है। यह विभिन्न सांद्रता में प्रवाह समय का पर्याप्त डेल्टा प्रदान करता है। कौन सा वाला, आपका उव्वे लोहड़े। ठीक है, क्या, उव्वे लोहड़े। कह रहा ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर में एक एंड को खाली करना, साफ करना और फिर से भरना। क्या कह रहा, जो आपका ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर होता है उसमें एक एंड को, जो आपका एक सिरा होता है, उसको खाली करना, साफ करना और फिर से भरना। ये मतलब ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये क्या है, इसका एक प्रिकॉशन समझ लो या सावधानी समझ लो, ये अपनी जो है प्रयोग करते समय ये ध्यान रखना चाहिए। एक सिरे को क्या करना है, उसको खाली करना है, साफ करना है। ठीक है, क्या करना है, खाली करना है, साफ करना और फिर से उसको आपको भर लेना है। मापने से पहले हर बार ताजा घोल के साथ विस्कोमीटर प्रवाह के समय हर बार भरना होता है। ठीक है, कह रहा मापने से पहले हर बार ताजा घोल के साथ विस्कोमीटर प्रवाह के समय हर बार भरना होता है। ठीक है, मतलब हमने एक बार विलयन ले लिया, उसको हटा दिया, दोबारा भरेंगे तो उसको धुल के साफ करके दोबारा नया विलयन भरेंगे। इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। ठीक, प्रिकॉशंस, प्रिकॉशंस या एहतियात, जिसे हम सावधानी कहते हैं। क्या कहते हैं, कौन कौन सी सावधानियां हैं जो हमें बरतनी चाहिए। कह रहा है श्यानता एक तापमान पर निर्भर गुण है। श्यानता क्या है, तापमान पर डिपेंड करता है। ठीक है, टेम्परेचर ज्यादा कर दोगे श्यानता पे फर्क पड़ जाएगा। ठीक है, या वो परिवर्तित हो जाएगा, इसलिए सभी माप स्थिर तापमान पर लिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है, पहले हमने मान लो एक माप ली हमने किस पर, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, दूसरी माप हमने किस पे ले ली, 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो ये इसका खास ध्यान रखना चाहिए कि ये जो आपकी श्यानता है ये ताप पर निर्भर करती है। ठीक है, तो सभी मापे हमें कहाँ लेनी चाहिए, जहाँ तापमान सेम हो, मतलब एक ही जगह फिक्स स्पेस पर। ठीक है, विस्कोमीटर लंबवत और सीधी दिशा में होना चाहिए, अन्यथा माप दबाव से बदल जाएगा। जो आपका विस्कोमीटर है, क्या है, जो आपका विस्कोमीटर है वो कैसा होना चाहिए, आपका सीधा और लंबवत होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, सीधा और लंबवत। अगर आप उसको थोड़ा बहुत तिरछा कर दोगे तो क्या होगा, उसका माप क्या है, बदल जाएगा। ठीक है, दबाव लगने से। थर्ड कह रहा, सभी विलयन अशुद्धियों से मुक्त होने चाहिए। जो आपने विलयन लिया है उसमें किसी भी तरह की इम्प्यूरिटीज नहीं होनी चाहिए, अन्यथा कोशिका ट्यूब बंद हो सकती है और प्रवाह बाधित हो जाएगा। जो प्रवाह देख रहे थे, जो आपका समय था, जो समय हम यहाँ पर काउंट कर रहे थे, वो कैसा हो जाएगा, बाधित हो जाएगा। ठीक है, कब, जब आपका जो विलयन है वो कैसा होगा, अशुद्ध होगा, या उसमें अशुद्धियां मिली होंगी। तो ध्यान रहे कि विलयन कैसा हो, अशुद्धियों से मुक्त होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट कह रहा है किसी विलयन, विलयन हम किस में भरते हैं भाई, विस्कोमीटर में। ठीक है, और या विलायक, विलायक हम किस में भर रहे थे, उबे लोहड़े। ठीक है, उबे लोहड़े। ठीक है, इसमें हम क्या भर रहे थे, विलायक भर रहे थे। का प्रवाह काल पर्याप्त रूप से लंबा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, इन दोनों का जो प्रवाह काल है वो कैसा होना चाहिए, पर्याप्त रूप से लंबा होना चाहिए। दो क्रमिक सांद्रता के बीच प्रवाह के समय में अंतर कम से कम कितना होना चाहिए, 3 से 5 सेकंड का अंतर होना चाहिए। किन के बीच में, दो क्रमिक सांद्रता के प्रवाह के समय। ठीक है, मान लो हमने पहला प्रवाह ले लिया। ठीक है, हमने क्या करा भाई, एक पहला प्रवाह ले लिया, तो
यहाँ पर हमने लेवल कहाँ तक कर लिया था, यहाँ तक कर लिया था ठीक है। इसमें ये मान लो आपका बिस्कोमीटर है, ये कुछ इस तरह से आपका हमने लेवल कहाँ तक ले लिया था, भी यहाँ तक ले लिया था ठीक है। हमने क्या करा, इसको थोड़ा सक किया और लेवल हमने कहाँ बढ़ा दिया, यहाँ बढ़ा लिया, तो यहाँ इतना कम हो गया होगा। अब यहाँ से यहाँ तक आने में जो समय लगता है उसी समय को काउंट किया जाता है ठीक है, उसी समय को काउंट किया जाता है ठीक। दोनों अब कह रहा कि दो क्रमिक सांद्रता के बीच प्रवाह के समय में अंतर कम से कम कितना होना चाहिए, 3 से 5 सेकंड का, 3 से 5 सेकंड का जो है इस प्रवाह में आपका अंतर होना चाहिए ठीक है। तो ये तो था श्यानता के माध्यम से पॉलीमर, किसका, पॉलीमर के अड़भार का निर्धारण ठीक है। किसके माध्यम से, श्यानता, जो कि किसी द्रव का गुण होता है, क्या होता है, किसी द्रव का गुण होता है ठीक, जो बताता है कि ये मतलब पतला है गाढ़ा है, गाढ़ा होगा तो उसका बहने का गुण कैसा होगा, उसके बहने की जो दर है वो कम होगी, पतला होगा तो बहने की दर ज्यादा होगी, इसलिए हम इसमें क्या करते हैं थोड़ा गाढ़ा विलयन लेते हैं। कैसा लेते हैं, गाढ़ा गाढ़ा विलयन लेंगे तो यहाँ से यहाँ तक के आने में थोड़ा समय लगेगा। मान लो अगर पानी भर लिया तो पानी क्या करेगा, भाई यहाँ से सक किया यहाँ तक पहुँचा है, जैसे इसको छोड़ोगे पानी फटाक से यहाँ आ जाएगा 1-2 सेकंड ठीक है। इसलिए हम इसमें क्या करते हैं थोड़ा अधिक सांद्रता वाला सॉल्यूशन लेते हैं ठीक है। उसी के आधार पर हम क्या करते हैं जो हमारे पॉलीमर है उनका हम अड़भार ज्ञात कर लेते हैं ठीक। तो ये तो था आपका श्यानता के माध्यम से पॉलीमर का अड़भार ज्ञात करना। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, शेयर द वीडियो।